नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इस समाचार के प्रस्तुत करता है। गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। अब बढ़ते हैं हम आज के हेडलाइंस की तरफ। सीए अपहरण कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सकुशल वापस घर लौटे किशन कुमार अग्रवाल। 12 घर गुरुओं को छोड़कर हुए गुरुओं बिनेखा में शामिल। सिलीगुड़ी की ऋचा घोष महिला T20 विश्व कप के लिए चयनित। और हाथियों के बाद अब जंगली सूअर के आतंक से आतंकित है मदारीहाट गांव के निवासी। अब बढ़ते हैं हम प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर से अपहरण कर लिए गए चार्टर अकाउंटेंट किशन कुमार अग्रवाल सुरक्षित घर लौट आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने सोमवार संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीए अपने घर सुरक्षित लौट आए हैं, वे फिलहाल अपने परिवार वालों के साथ हैं। उन्हें सिलीगुड़ी से गाड़ी में उठाकर ले जाया गया। 7-8 घंटे में वे लोग गोपालगंज पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वे लोग सीए के परिवार वालों को फोन कर इसकी खबर दी। इसके बाद परिवार वाले पुलिस से इस बारे में संपर्क किए। उन्होंने कहा फिलहाल 4 आरोपी सिलीगुड़ी नहीं पहुंचे हैं, उन्हें मोतीपुर थाना कचरी में रखा गया है। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ होगी और इस बारे में अधिक जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिरौती की रकम 5 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए हुआ, फिर इस रकम पर पहुंची। सीपी ने कहा पुलिस की पहली प्राथमिकता सीए को किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने देना थी, इस बात का उन्हें ख्याल रखना था। पुलिस इसी सिद्धांत पर जांच को आगे बढ़ाती गई और यह सफलता उन्हें मिली। डेटेड 11 जनवरी 2020 अंडर सेक्शन 387, 389 आईपीसी एंड 251B ए 2635 आर्म्स एक्ट। तो 251B विद इन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज /26/35 आर्म्स एक्ट। तो एखन अब्दि विक्टिम चले एसेछे, ओनार मेडिकल होयेछे, द विक्टिम इज विद द फैमिली और रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग। मॉडस ऑपरेंडी जो बोला हलो जे हम ओनाके सिलीगुड़ी थेके निये गाड़ीते तुले निये जावा हलो एंड विद इन 7 or 8 आवर्स they reached Gopalganj. From there they contacted the family member, then we come to know, then they informed us. The rest of the details let the criminal come to us and we will talk to the victim also. আর ওনাকে টার্গেট যে করা হয়েছে ট্র্যাক করছিল আগে থেকে বা ওনাকে সেটা বললাম তো যখন যখনই আমরা সব পাবো এখন তো এই চারজন মতিপুর থানা কাস্টডিতে আছে let them come তখন আপনাকে পরবর্তীকালে আরো ডিটেলস জানাবো। স্যার কত পয়সা ইন লোগোনে মাঙ্গা থা স্যার, জেসে আপনে 47 লাখ 74000 আপনে ইতনা উনকো দিয়া গিয়া সব যে রিকভার হুয়া হ্যায়, শুরুআত 5 करोड़ से हुई थी, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर इतना ये हुआ। सर जमीन से जुड़ा कोई विवाद है? जी जमीन से जुड़ा कोई विवाद है क्या? जैसा समझ में आया कि सब कुछ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। अभी मैं जैसा आपको बताया कि हमारे पास आसामी नहीं है, जब तक वो नहीं आता है तो पूरा प्रोसेस बताना। फैमिली वाले पैसे उनको आपके मतलब नॉलेज के बाहर नहीं पहले ही दिए देते रहे? हम बताया हमारा मेन काम था कि विक्टिम को कोई भी इंजुरी या कोई रिस्क ना हो, हमारा वो पहला प्रायोरिटी था। रेस्ट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रोसेस विल फॉलो, दैट वाज द मेन थिंग। सर ये किडनैपिंग का केस था? जी हाँ, किडनैपिंग सेक्शन में। ये गोपालगंज में हैंड ओवर हुआ है, गोपालगंज में ही पैसा दिया गया है। गोपालगंज से पैसा लेके जब ये टीम लौट रही थी तो फिर इनको पकड़ा गया। मतलब फैमिली मेंबर्स ने ही पैसा दिया था? वो सब मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, फैमिली मेंबर गए हैं, उनके कौन गए हैं, जो भी होगा कितने अमाउंट लेके गए थे, कितना हैंड ओवर हुआ, कितना रिकवर हुआ, ये सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। किसने दिया, कहाँ पे दिया, वो सब जो भी सीन ऑफ क्राइम है हम लोग उसको बनाएंगे, देन वी विल लेट यू नो। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज मिला था, जब इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला तो 8 तारीख से जब हम लोग खोजना शुरू किए तो जो गाड़ी लेके गई थी वो गाड़ी आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया था, जो मेन आदमी था उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया था,
तो उससे सुविधा हुई जब ये लौट रहे थे तो चूँकि हम लोग को ब्रांड पता था गाड़ी का, तो वहाँ की पुलिस को बोलने से और लोकेशन देने से जल्दी ट्रैक हो गया। जी नंबर प्लेट लोग बार बार चेंज कर रहे थे, जब यहाँ से ले गए थे तो टेम्पोरी नंबर प्लेट था, उन्होंने रास्ते में कोई नंबर प्लेट चेंज किया, लौटते वक्त सिक्किम नंबर प्लेट था। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कहां से उठाया गया, ये घर से निकले थे कितने बजे, कहां से गए थे, ये सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। सिलीगुड़ी की ऋचा घोष महिला T20 विश्व कप के लिए चयनित, कोलकाता से घर पहुंचने पर सिलीगुड़ी में बधाई देने वालों का लगा तांता। सिलीगुड़ी की ऋचा घोष ICC महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयनित हुई है। ICC महिला T20 विश्व कप 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली की रहने वाली ऋचा 15 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगी। सोमवार को ऋचा घोष के कोलकाता से सिलीगुड़ी पहुंचने पर उसके घर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य, जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार सहित विभिन्न क्रीड़ा संस्थानों के सदस्यों ने ऋचा को उसकी इस कामयाबी के लिए बधाइयां भी दी। अपनी इस कामयाबी से खुश ऋचा ने विश्व कप में उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। ऋचा ने कहा, बचपन से ही उसकी क्रिकेट में रुचि रही है, इस कार्य में परिवार का हमेशा उनको सहयोग मिला है। ऋचा ने बताया, सिलीगुड़ी के बाघा जतिन एथलेटिक क्लब में उसने क्रिकेट का प्रारंभिक शिक्षण लिया। ऋचा ने बताया, सचिन तेंदुलकर उनका रोल मॉडल है, जल्द ही वे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगी। रिम्बिक लोधुमा समष्टि अंतर्गत अपर फेंचेटार से गुरुओं पार्टी को छोड़कर गुजुओं विनयखवा में शामिल हुए एक कार्यक्रम के माध्यम से कमल लिंबू तथा संतोष लिंबू की अगुवाई में 12 घर गुरुओं समर्थकों ने समष्टि सभापति नॉर्दर्न शेरपा के नेतृत्व में गुजुओं विनयखवा का दलीय झंडा थाम लिए। इस कार्यक्रम में समष्टि महासचिव मिलन प्रधान, उप सभापति ताशी शेरपा समेत अन्य पार्टी के नेतृत्वगण उपस्थित रहे। आज यहाँ हामी हाम्रो रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत 23/17 नम्बर बुथमा पर्ने है, यहाँ हामी फेन्चेटार गाउँमा छौँ अहिले है। र आज यहाँनिर हाम्रो जेनेले अनि गोजामुमुवान विमल गुरुङ पन्थीबाट आज हाम्रो पार्टीमा विनय तामाङ अनि अनित थापाको हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टीमा चाहिँ आज उहाँहरू समर्थन जनाउने एउटा कार्यक्रम रहेको थियो है। र उहाँहरूले अघिबाट उहाँहरू यहाँनिर जेनेले पार्टीका यस भेगमा अनि नेतृत्व दिने एउटा जति जेनेले पार्टीको एउटा मेरुदण्ड भनौँ है, उहाँहरू आज हामीसँग हाम्रो सोचलाई विनय तामाङ अनि अनित थापाको एउटा सोचलाई मन पराएर जुन प्रकारको एउटा यथार्थको राजनीति है, ढाडछलको राजनीतिदेखि पर सरेर जुन एउटा यथार्थको राजनीति एउटा सोच लिएर गरिरहेको छ है, उहाँहरूले आज बुझेर है हामी एउटा इलेक्सनमा जति बेला हारेर पनि र आज सम्पूर्ण पहाडबाट नै जति जुन प्रकारको हाम्रो पार्टीमा एउटा विनय तामाङ अनि अनित थापाले जुन प्रकारको एउटा यथार्थको राजनीति गरिरहेको छ, यो सोचमा सबैले एउटा समर्थन दिएर आजको दिनमा मान्छेको एउटा मानसिकता है, एउटा मनोभाव पनि एउटा अलिकति हामीले बदलाउ भइरहेछ अनि पार्टीप्रति हाम्रोमा एउटा राम्रो एउटा हामीलाई एउटा पार्टीलाई हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ एउटा यो पार्टीले चाहिँ विनय तामाङ अनि अनित थापाले चाहिँ राम्रो सोच गरेको रहेछ भन्ने कुरा है एउटा उहाँहरूले बुझेर चाहिँ आज हाम्रो पार्टीमा चाहिँ उहाँहरू आज हाम्रो समावेश उहाँहरू आउनुभएको छ। र अनि हामी आज आउने हाम्रो दलमा आउने सम्पूर्ण यहाँ हामी गोरामुमु अनि गोजामुमु विमल खेमाका सम्पूर्णलाई हामी हाम्रो पार्टीमा एकदम हामी स्वागत जनाउँदछौँ। अलिपुरद्वारमा वन कर्मियों की फायरिंग में एक युवक की मौत से भड़के ग्रामीण बीट अफिस व वन विभाग की गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़। एउटा अप्रीतिकर घटना घटेछ আর কি, সে তো পুরোটাই শুনলেন, কিন্তু আমাদের ফরেস্টে যেটা থাকে যে আমরাও তো হচ্ছে অ্যাজ পার রুলস রেগুলেশন কাজ করি, তো আমাদের যেটা থাকে যে প্রোটেকশন ন্যাশনাল পার্কে এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট অবজেক্টিভ থাকে, তো অবশ্যই আমাদের স্টাফেরা প্রোটেকশন পারপাসেই যেটা অ্যাক্ট অ্যাজ পার ল কাজটা করেছে। ওর বাড়িতে নাকি কোনো গুরুতর হারিয়ে গিয়েছিলো, তার জন্য ও খুঁজতে গিয়েছিলো, তখন ডিপার্টমেন্ট পুরো কুয়াশা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে মুখোমুখি গুলি করে ওকে হত্যা করেছে। রাত্রিবেলা যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা মর্মান্তিক ঘটনা, তো আমি যতটুকু শুনতে পেয়েছি সেই লোকটা নাকি মাটা ক্র্যাক আছে, সেই জঙ্গলে নাকি গরু খুঁজতে বা কী কারণে গেছে, তো ওই অবস্থায় বন দপ্তর টহল দেওয়ার সময় দেখা সাক্ষাৎ হয়, হওয়ার পরে ওরা
না জেনে না জিজ্ঞাসা করে ওরা গুলি চালায়। তো জঙ্গল তরফ গায়া তো ঘুম গায়া, ঢুঁটে ঢুঁটে ঘুম গায়া। মে তো শাদি গায়া হুয়া থা, ফির মমি ভি গায়া থা, ফির শাম কো আকে দেখ রহে পাপা নেই হ্যায়। তো ঘর পে ওইসে হি হম লোগ ভি ঢুঁড় রহে হ্যায়। হম লোগ কা ইয়ে বড়া ইয়ে ক্যা বোলতে হ্যায় উসকো লেকে গায়া ঢুঁড়নে কে লিয়ে। তো বাদ মে কল আয়া উসকো बताया कि आपका पिताजी को गोली से मारा हुआ। सिलीगुड़ी के 7 नंबर वार्ड स्थित एक प्लास्टिक की दुकान में रविवार रात लगभग 1:30 बजे अचानक से आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। हालांकि आग के लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग की आशंका है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट से लगाया होगा। दुकानदार ने करीब 2 लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही है। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games. Indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318 9743155003. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसके लाइव में। हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। श्रमिकों और मालिकों के भविष्य निधि को लेकर आज एक सेमिनार कम मीटिंग का आयोजन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रीजनल ऑफिस कार्यालय में किया गया। भविष्य निधि फंड की समस्याओं को लेकर इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चाय बगान मालिक और कर्मचारी समेत विभिन्न संगठनों के श्रमिक संगठनों के सदस्य इस सेमिनार में उपस्थित रहे। इस सेमिनार में उपस्थित थे मुख्य रूप से लोकसभा सांसद जॉन बारला के साथ अन्य गणमान्य। सीटें नहीं है आज के सीटिंग एरा के बार अनेक ना ना ऑलरेडी हम पार्लियामेंटे बोले मिसमैच होर कारण हमारे श्रमिकरा पेंशन पाछे ना, पीएफ क्लेम करते पाछे ना, এই যে এখনও অনলাইন করতে হচ্ছে, আর অনলাইনে আধার কার্ডের লিঙ্ক মিসমিস হওয়ার জন্য আধার কার্ড লিঙ্ক নিচ্ছে না, কম্পিউটার নিচ্ছে না, তাই জন্য এর আগেবার অনেক মিটিং হয়েছে। আর গার্ডেনে গার্ডেনে আমি এর আগে পিএফ কমিশনার জলপাইগুড়িতে বসে গার্ডেন গার্ডেন ভিজিট করে ক্যাম্প করে ওইখানে আধার কার্ড সংশোধন করার যা, যেহেতু শুধু এটা অফলাইনে যদি করে দেয় তাহলে তো আপনার শুধু পিএফ ক্লেম হবে, কিন্তু তারপরে পেনশন যখন ক্লেম করবে তখন আধার কার্ড লাগবে, তো আধার কার্ড আগে সংশোধন করুন, তারপরে পিএফও পাব। আমি তো বক্তব্যে রেখেছি যে দেখুন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে যখন পাওয়ারে আসবেন তারা কিছু পলিসি নিতে পারেন। এখনকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আধার ম্যান্ডেটারির পলিসি নিয়েছেন, কিন্তু সংবিধান, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যে কোনো শ্রমিকের, যে কোনো মজদুরের পিএফ হচ্ছে ম্যান্ডেটারি। অতএব আধার লিঙ্কিং এখনকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি নিয়েছেন, তারা তার প্রসেস নিন,
সে তো যে পাওয়ারে থাকবে সেই প্রসেস নেবে, ওরা প্রচুর সিট পেয়ে পাওয়ারে গেছেন, কিন্তু তার জন্য সংবিধান স্বীকৃত যে অধিকার শ্রমিকের পিএফ যে ম্যান্ডেটারি তার হক, সেটা তো তারা বন্ধ করতে পারেন না। অতএব তাদের টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম করা উচিত, যে 279টা বাগান আছে বড়, আবার ছোট বাগান আছে অজস্র, তাহলে আধারের জন্য টাইম লাগবে 5 বছর, তাহলে 5 বছর পর্যন্ত ম্যান্ডেটারি বলে পিএফ যে ম্যান্ডেটারি কনস্টিটিউশন তাকে যে অধিকার দিয়েছে সেটা বাদ থাকবে, এটা হতে পারে না। ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আধারের কাজ ওরা কমপ্লিট করতে পারবেন ওদের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী, ততদিন পর্যন্ত যাতে সবাই পিএফ পান, পিএফ এর ব্যাপারে কোনো শ্রমিক যাতে বঞ্চিত না হন, কারণ এটা তার স্বাধীন ভারতের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার, সেইটা এনশিওর করা সবার আগে দায়িত্ব। তাই অফলাইনও চালু রাখতে হবে, কিন্তু সেখানে কোনো মিডলম্যানশিপ না ঢুকে যায় সে ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট থাকবেন। ইসলামপুর কে কাল লাগিন বাজার মে রবিবার দের রাত আগ লাগনে সে এক রাশন কি দোকান জ্বলকর খাক হো গই। আগ দেখতে হি স্থানীয় লোকো নে ইসে বুঝানে কি কোশিশ কি, লেকিন জব তক লোক আগ পর কাবু পাতে তব তক ও দোকান জ্বলকর খাক হো চুকা থা। দোকান মালিক নে বতায়া কি ইস রাশন দোকান মে করিব 3 লাখ কি সামগ্রী নষ্ট হো গই হ্যায়। সুনিয়ে ইস সম্বন্ধ মে দোকানদার মোহাম্মদ টুনটুন কা ক্যা কহনা হ্যায়। রাত্রে বেলা আমরা তো সবাই বাড়িতে, তো বাড়িতে ঘুমাই আছি, তো রাত্রে যে স্টাফ গুলো আলোর কাজ করতে, ওরা লেবার গুলো, ওরা যে বাড়িতে খবর দিল আমাকে এরকম এরকম তোর দোকানে আগুন লাগছে, রাত 11টা আমাদেরকে খবর দিয়েছে, দেওয়ার পরে আসছি, আসে দেখছি যে প্রচুর আগুন, সেটার খোলার পরে দেখছি আগুন তো এক্সেস সব জলে মুছে গেছে, তো কোনো রকম মিজামিজি করলাম, ওগুলো নিভাইছি, নেওয়ার পরে ফায়ার ব্রিগেড ছিল, তা ফায়ার ব্রিগেড কিরকম যে সামনে সিলিন্ডার ছিল, গ্যাসের দোকান ছিল, এটা কোনোভাবে রাত্রে 11টায় ফায়ার ব্রিগেডে আস্তে আস্তে অনেক বাবাল হয়ে যেত, লোক প্রচুর লোক ছিল, ওই লোকগুলো ধরে সবাই জল দিয়ে আর কি জল বালু দিয়ে। मालदा में युवक का छत विछत शव हुआ बरामद। परिवार वालों का दावा है कि युवक का किसी के साथ कोई विवाद हुआ, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी किस कारण से उसकी हत्या की गई है यह समझ से पड़े हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मालदा के कालीचक थाने के जलालपुर इलाके में सोमवार सुबह एक युवक का छत विछत शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कालीचक थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृत युवक की शिनाख्त साहिब मोमिन के रूप में की गई है, वो बड़ नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, मेडिकल स्टोर में वह काम करता था। वहीं पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रविवार रात घर पर पिकनिक का आयोजन किया गया था, पिकनिक के बाद वो घर में से कुछ दूर एक रिश्तेदार को खाना देने से निकला था, इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों को लगा कि वह रिश्तेदार के घर में रात में ठहर गया होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह युवक रिश्तेदार के घर पहुंचा ही नहीं। सोमवार सुबह 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर खून से लथपथ उसका शव बरामद किया गया। हाथियों के बाद अब जंगली सुअरों के आतंक से आतंकित है मदारीहाट गांव के निवासी। जंगलों से निकलकर सुअर अब गांव में मचा रहे हैं तांडव। डुअर्स इलाकों में हाथियों का तांडव कोई नई बात नहीं है, आए दिन हाथी निकलते हैं और घरों और फसलों को तबाह कर देते हैं। मदारीहाट बाजार संलग्न गांव में हाथी आए दिन निकलते ही रहते हैं, लेकिन अब हाथियों के साथ जंगली सुअरों ने भी गांव में निकलना शुरू कर दिया है, इससे ग्रामवासी काफी आतंकित है। स्थानीय निवासी मिठुन दास ने बताया कि पहले हम लोग हाथियों के आतंक से आतंकित थे, लेकिन अब गांव में और बाजारों में जंगली सुअर निकल आते हैं, जिससे हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस्लामपुर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को गुलाब का फूल लेकर ट्रैफिक नियमों को पालन करने का किया है अनुरोध। अधिकतर देखा जाता है कि जब भी कोई ट्रैफिक नियमों यानी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है, लेकिन इस्लामपुर बस टर्मिनस इलाके में आज इस्लामपुर ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखी गई। गांधी तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया गया। जो लोग बिना हेलमेट पहने हुए आ रहे थे तो उन लोगों को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने गुलाब का फूल दिया और कहा कि अपनी रक्षा के लिए हेलमेट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस्लामपुर गर्ल्स हाई स्कूल में ग्रीन साथी योजना के तहत स्कूल की छात्राओं में साइकिल बांटे गए। इस अवसर पर इस्लामपुर नगर निगम के चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल, 10 नंबर वार्ड के काउंसलर प्राण गोपाल साहा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल की प्रधानाध्यापिका जगदात्री सरकार ने बताया कि साइकिल पाकर सभी छात्र छात्राएं खुश दिखी। अब तक के लिए इतना ही, इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।